क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री भी बने? अगर बीजेपी के बिहार से वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की माने तो नरेंद्र मोदी ये उपलब्धि हासिल करने वाले आजाद भारत के अकेले व्यक्ति हैं। आइए पहले सुन लेते हैं कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा। आपको मालूम है कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और हम लोग 17 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में इसको मना रहे हैं। यहाँ बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 13 साल, और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और क्योंकि 17 तारीख को उनको उनका जन्मदिन था और 6 अक्टूबर को उनका 20 साल पूरा हो जाएगा, ये 15 दिन सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। मित्रों, सुशील कुमार मोदी बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और पार्टी के बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के पद को लेकर उनका दिया ये बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। देश में मोरारजी देसाई पहले ऐसे व्यक्ति थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और फिर प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी देसाई 1952 में बंबई राज्य के सीएम बने थे, जिसे अब महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। मोरारजी देसाई 1956 तक 4 साल बॉम्बे के सीएम रहे। फिर 1977 में मोरारजी देसाई देश के पीएम बने, जब विपक्षी पार्टियों से मिलकर बनी जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी थी। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह देश के दूसरे ऐसे शख्स रहे जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद देश के प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी चरण सिंह के नाम 1967 में यूपी का पहला गैर कांग्रेसी सरकार का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल है। तब विपक्षी पार्टियों के सहयोग के साथ चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल ने यूपी में सरकार बनाने में कामयाबी पाई थी। चौधरी चरण सिंह जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह भी पहले 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे और फिर 1989 से 1990 तक देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पीएम के तौर पर कार्यकाल 1 साल और 3 दिन का रहा। इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव पहले 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के सीएम रहे और फिर 1991 से लेकर 1996 तक देश के पीएम रहे। इसी तरह एचडी देवे गौड़ा भी पहले कर्नाटक के 1994 से 1996 तक मुख्यमंत्री रहे और फिर 1996 में संयुक्त मोर्चा की केंद्र में सरकार बनने पर देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 1 साल से भी कम रहा। इस तरह सुशील कुमार मोदी के बयान से उलट देश में नरेंद्र मोदी से पहले भी 5 व्यक्ति ऐसे रहे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके थे। हाँ, अगर सुशील कुमार मोदी ये कहते कि बीजेपी से नरेंद्र मोदी पहले शख्स हैं जो किसी राज्य का सीएम बनने के बाद देश के पीएम भी बने, तो वो तथ्यात्मक रूप से सही होता। देशनामा के लिए पटना से कुणाल विक्रम की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।